हेलो बच्चों कैसे हो आप सब वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्विक माइंड्स आज हम करेंगे एट्थ क्लास का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर सिक्स अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने जो फिफ्थ चैप्टर था जुडिशरी उसमें हमने समझा था जुडिशरी क्या होती है और एक पार्ट था उसमें कि जुडिशरी के दो सिस्टम कौन कौन से होते हैं एक था क्रिमिनल लॉ सिस्टम एंड सेकेंड वन था सिविल लॉ सिस्टम आज जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले हम पढ़ते हैं और फिर समझेंगे वेन वी सी समयलेटिंग द लॉ वी इमिजिएटली थिंक ऑफ इनफॉर्मिंग द पुलिस यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज पुलिस ऑफिसर्स हैव फाइलिंग रिपोर्ट्स अंडरलाइन करिए बच्चों पुलिस ऑफिसर्स फाइलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सनस ये पुलिस का रोल है ठीक है बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन वी ऑफन गेट कंफ्यूज एंड थिंक दैट इट इज़ द पुलिस वो डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट दिस इज हाउ फार फ्रॉम ट्रू आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वैदर द एूज पर्सन इज गल्टी और नॉट अंडरलाइन करिए बच्चों इसको इट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स वेदर द एूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट पुलिस ने क्या किया अरेस्ट किया कोर्ट क्या डिसाइड करेगा एक्यूज पर्सन गिल्टी है या नहीं है ठीक है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल ठीक है इसे भी अंडरलाइन करिए द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज़ टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल फेयर ट्रायल का डिटेल्ड मीनिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ठीक है इस पैराग्राफ में बोलते हैं कि हमने अक्सर देखा है मूवीज़ में भी और वैसे भी कि पुलिस जो है वो रिपोर्ट फाइल करती है एफआईआर करती है उसके बाद पर्सन को किसी भी एक्यूज को एक्यूज मीन्स आरोपी एक्यूज को अरेस्ट करती है तो हमें क्या लगता था कि पुलिस का ही काम है किसी को भी न्याय देना उसे अरेस्ट करना किसी क्रिमिनल को और फिर केस करना और अरेस्ट सॉरी उसे डिसाइड करना कि वो गिल्टी है या नहीं है बट ऐसा नहीं है पुलिस का काम कहाँ तक लिमिट है उसे अरेस्ट करना चार्ज करना चार्जशीट बनाना कोर्ट में पेश करना कोर्ट केस करना उसके बाद सारा काम कोर्ट का होता है कोर्ट ही डिसाइड करता है कि एक्यूज पर्सन गिल्टी है या नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिक प्रोविज़न है कि कोई भी एक्यूज हुआ उसे ये हक है उसे उसका राइट right है कि उसके केस में फेयर ट्रायल किया जाए उसके उसे फेयर ट्रायल बेसिस पे परफॉर्म किया जाए केस कि को ओके अब हम आगे पढ़ते हैं डू यू नो वॉट इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल फेयर ट्रायल का मीन्स हम समझेंगे और फेयर ट्रायल फर्स्ट इज़ फेयर ट्रायल एंड डू यू नो वो आ पब्लिक प्रोजिक्यूटर इज नो वो आ पब्लिक प्रोजिक्यूटर इज एंड ये सारी चीजें और एफ आई आर थर्ड वन इज एफ आई आर फर्स्ट फेयर ट्रायल सेकेंड एफ आई आर एंड थर्ड वन इज पब्लिक प्रोजीक्यूटर इन सब का मतलब हम यहाँ पर इस चैप्टर में समझेंगे ठीक है इस चैप्टर में ये सब चीजें समझाने के लिए कि ये क्या क्या होती हैं और हर प, पोर्शन का यानी हर सिस्टम के हर हिस्से का क्या क्या रोल है जो वो प्ले करता है सिस्टम में जुडिशियल चीफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से पोर्शन है जो आते हैं रोल में ठीक है पुलिस आती है एक्यूज पर्सन होता है पब्लिक प्रोजीक्यूटर होता है एफआईआर होता है और फिर केस चलता है जो फेयर ट्रायल बेसिस पे होना चाहिए ये सब डिटेल में हम इस चैप्टर में समझेंगे हमें ये सब समझाने के लिए इस चैप्टर में एक स्टोरी बताई गई है ठीक है बच्चों हम वो स्टोरी देखते हैं वो स्टोरी क्या बोलती है ठीक है यहाँ पे देखिए ये मिस्टर शिंदे हैं जो मुंबई में रहते हैं और ये उनकी वाइफ हैं ठीक है, है? मिसेस शिंदे ये उनकी वाइफ हैं मिसेस शिंदे कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी शादी वगैरह में फंक्शन में तो वो अपनी गोल्ड ज्वेलरी पहनने के लिए जैसे ही अपना ड्रॉर खोलती हैं तो वो देखती हैं कि एक गोल्ड चेन मिसिंग है वो मिस्टर शिंदे को ये बताती हैं तो मिस्टर शिंदे और मिसिस शिंदे को ये शक होता है कि जो उनके घर एक सर्वेंट है ये वो सर्वेंट है शांति शांति ने ही जरूर चोरी की होगी तो वो शांति से बोलते हैं कि तुमने चोरी की है तो या तो वो चुपचाप वो गोल्ड चेन हमें वापस दे दो वरना हम पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे तुम्हारे खिलाफ़ लेकिन शांति कहती है ऐसा नहीं है मैं इनोसेंट हूँ आई एम इनोसेंट और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने कोई चोरी नहीं की है लेकिन मिस्टर शिंदे और मिस्टर मिसेस शिंदे नहीं मानते वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं पुलिस स्टेशन जाके और वो शांति के अगेंस्ट एफ आई आर करवा देते हैं फिर रोल में कौन आता है पुलिस आती है ये है पुलिस सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव ठीक है ये रोल में आते हैं फिर इंस्पेक्टर सबसे पहले जब वो शिंदे मिस्टर शिंदे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले करते हैं सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदे एफ आई आर रिकॉर्ड करते हैं ठीक है यानी कि रिपोर्ट लिखते हैं इसमें एफ आई आर में क्या क्या होता है ये सारी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है फिर मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव फिर मिस्टर शिंदे के साथ सब इंस्पेक्टर राव उनके घर आते हैं और मिस शांति जो उनकी सर्वेंट थी उसके पास एक एनवेलप था उस एनवेलप में दस हज़ार रुपये शांति ने रख रखे थे मिस्टर शिंदे कहते हैं कि ये पैसे शांति ने उनकी गोल्ड चेन बेच के सेल करके और फिर रखे हैं जबकि शांति कहती है कि ऐसा नहीं है उसने और उसके भाई ने सुशील ने ये उसका भाई है इन्होंने दोनों ने ये पैसे जोड़ जोड़ के अपनी सैलरी से बचा के जोड़ के और तब रखे हैं तब जमा किए हैं ठीक है ठीके? तो फिर भी पुलिस नहीं मानती पुलिस शांति को पुलिस स्टेशन ले जाती है अरेस्ट करके पीछे से शांति का भाई सुशील आता है वो पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है कि हम निर्दोष हैं इनोसेंट हैं हमें छोड़ दिया जाए लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर राव नहीं मानता ना ही वो इन्वेस्टिगेट करता है प्रॉपरली और वो शांति के भाई सुशील को भी दो दिन के लिए जेल में डाल देता है अरेस्ट करके ठीक है जबकि शांति के भाई के अगेंस्ट तो कोई एफआईआर भी नहीं थी लेकिन फिर भी फोर्सिबली दे ये देखिए एसआई राव फोर्सिबली कीप सुशील इन पुलिस स्टेशन फॉर टू डेज आप याद रखना ये टू टू डेज वाली लाइन ठीक है ये आगे काम आएगी चैप्टर में ओके उसके बाद क्या होता है वट विल मी शांति सोचती है कि अब मेरे साथ क्या होगा मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे जेल में डाल दिया गया ठीक है अब ये देखिए ये पढ़िए ये क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ट्वेंटी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन एज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाई अ लॉयर आर्टिकल थर्टी नाइन ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन वो इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यूटी वन सॉरी इंगेज ड्यू टू पोवर्टी और अदर डिसबिलिटी ये क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल ट्वेंटी टू है वो कहता है कि हर इंसान को अधिकार है फंडामेंटल राइट है उसका कि डिफेंडेड उसे बचाया जाए भाई एक लॉयर के द्वारा ठीक है उसे भी एक अपनी तरफ से वकील करने का पूरा पूरा राइट है चाहे वो आरोपी क्रिमिनल हो या ना हो उसे पूरा राइट है कि वो लॉयर की मदद ले सके और आर्टिकल थर्टी नाइन ए क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्लेसिज अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट यानी कि स्टेट मीन्स हेयर गवर्नमेंट ओके हेयर स्टेट मीन्स गवर्नमेंट प्लेसिज अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन वो इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यूटी वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी यानी कि अगर कोई गरीब है जो एक्यूज़ है वो गरीब है वो लॉयर की फीस पे नहीं कर सकता इसलिए वो लॉयर खुद हायर नहीं कर सकता तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लॉयर प्रोवाइड करवाया जाए ठीक है तो अब ये ऊपर वाला हम पढ़ते हैं द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी ओके इसमें बोलते हैं कि जो पुलिस था जो एस आई राव था सब इंस्पेक्टर राव वो चार्जशीट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ दैट चार्जशीट टू शांति मेंस जो चार्जशीट थी जो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट शांति के अगेंस्ट जो चार्जशीट थी उसे मजिस्ट्रेट एक कॉपी शांति को भी प्रोवाइड करवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे अगेंस्ट ये ये चार्जेस है तुमने थेफ्ट किया था इसीलिए इन्होंने तुम्हारे ऊपर केस किया है और तुम अपने वकील को बोल के खुद को डिफेंड कर सकती हो लेकिन शांति क्या बोलती है कोर्ट को कि मेरे पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं हैं इसलिए मैं खुद लॉयर हायर नहीं कर सकती और मुझे एक लॉयर चाहिए तो कोर्ट यहाँ पे देखा था ना हमने आर्टिकल थर्टी नाइन ए में स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनती है कि वो जो लॉयर को खुद अफोर्ड नहीं कर सकते उनको लॉयर प्रोवाइड करवाया जाए तो कोर्ट शांति को फ्री ऑफ कॉस्ट एक लॉयर प्रोवाइड करवाते हैं उसे डिफेंड करने के लिए ठीक है कौन लॉयर मिलता है लॉयर मिलता है ये इसका नाम आता है कमला रॉय अब दो टाइप के लॉयर होते हैं किसी भी केस में ध्यान से सुनिएगा आप एक होता है जो एक्यूज का लॉयर होता है एक्यूज को डिफेंड करता है वो होता है एडवोकेट एक्यूज की तरफ से एक दूसरा होता है जो ये ये वाला ये हो इसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोजीक्यूटर जो एक्यूज को डिफेंड नहीं करता एक्यूज को क्रिमिनल प्रूव करने की कोशिश करता है और उससे ये जो का लॉयर है ये उसके साथ केस लड़ता है तो एडवोकेट कौन हुए दो एक हुआ ये जो की तरफ से है दूसरा हुआ ये जो पब्लिक प्रोजीक्यूटर है स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोजीक्यूटर क्या होता है इसका क्या रोल होता है ये भी इस चैप्टर में डिटेल में बताया वो भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो कोर्ट में कौन कौन हुए एक अक्यूज एक अक्यूज का लॉयर एक पब्लिक प्रोजिक्यूटर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट जज ये होता है जज जो डिसाइड करता है विटनेसेस और प्रूफ्स एविडेंसेस के बेस पे कि एक्यूज़ जो है वो गिल्टी है या इनोसेंट है ठीक है फिर केस चलता है केस चलता है दोनों तरफ से एविडेंसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं शांति की वकील की तरफ से भी और पब्लिक प्रोजिक्यूटर जो कि मिस्टर शिंदे ने जो कंप्लेंट की थी उसके रिगार्डिंग अपॉइंट हुआ था वो भी जज के सामने ये दोनों एविडेंसेस देते हैं और केस लड़ते हैं ठीक है तो फिर ये फे अब देखिए ये क्या कहता है इंस्पेक्टर शर्मा कैन अस शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड जो ये वकील थी कमला मिस, मिस कमला शांति के केस में वो इंस्पेक्टर शिंदे से पूछते हैं कि क्या आप कोई सबूत पेश कर सकते हैं कि आपने अरेस्ट किया था कि शांति ने ही चोरी की है तो क्या कहता है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कहता है हेयर इज द चेन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज वन द चेन दीज बॉयज द चेन यानी बाद में इंस्पेक्टर शिंदे को कुछ लड़के मिले जिन्हों जिनके पास वो चेन मिली गोल्ड चेन और मिसेस शिंदे ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ये गोल्ड चेन उसी की है तो गलती से इन्होंने किसे उठा लिया था किसे अरेस्ट किया था कमला उसको सॉरी शांति को उनकी सर्वेंट को लेकिन वो इनोसेंट थी तो वो इनोसेंट प्रूव होती है और उसे कोर्ट द्वारा जज क्या कहता है उसे जज कहता है कि ये शांति इनोसेंट है ये गिल्टी नहीं है तो इसे आरा बाइजत बरी किया जाता है यानी कि इसे गिल्टी प्रूव नहीं किया जाता ठीक है पुलिस का रोल क्या था इस पूरे केस में और फिर हम देखेंगे कि पब्लिक प्रोजीक्यूटर जो था उसका रोल क्या था जज था उसका रोल क्या था और ये इसमें जो ये सब चले यानी एक फेयर ट्रायल बेसिस पे केस चला वो फेयर ट्रायल बेसिस क्या होता है ये भी हमें डिसाइड करना है ठीक है बच्चों ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ठीक है होप अब तक की पूरी डिटेल आपको समझ आ गई होगी ठीक है ओके okay, बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय